जोहार झारखंड, वेलकम टू टीडी लर्निंग। मैं आपका दोस्त प्रदीप आपके साथ हाजिर हूँ जेपीएससी 2021 का जीएस पेपर के 2 के सीरीज के साथ। सारे वीडियो जो अभी तक मैंने शूट किए हैं सब डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट बी, जिसके अंदर झारखंड का आंदोलन है, उसके अंदर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। सारे वीडियो सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा, सिलेबस फास्ट है, सो हमारे साथ बने रहिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ दो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्वतंत्रता सेनानी है पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय जो है ये अकेले इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ा है, ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर लड़ाई को अंजाम दिए थे। ये बात, इनका जो जन्म हुआ था पांडे गणपत राय का 17 जनवरी 1809 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था लोहरदगा जिला के भैरो गांव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दीवान बने चाचा की मृत्यु के बाद। इनके जो चाचा थे उनका नाम था सदा शिव, ठीक है, सदा शिव। इनकी चाचा की मौत के बाद ये छोटा नागपुर महाराज के दीवान नियुक्त किए गए। ये हो गया पॉइंट नंबर टू। देन अगला पॉइंट आइए, 30 जुलाई 1857, ये साल आपको पता ही होगा, ये वो साल है जिस साल सिपाही विद्रोह छेड़ा गया था, ठीक है, सिपाही विद्रोह दिख रहा बराबर सबको, ठीक है। 1857 सिपाही विद्रोह पता है आपको, बैरकपुर से मंगल पांडे के द्वारा छेड़ा गया था। ये सिपाही विद्रोह आगे बढ़ते बढ़ते लखनऊ झारखंड होते हुए बिहार वीर कुंवर सिंह, देन आपका शेर शाह जो दिल्ली बेगम हजरत महल, लखनऊ, देन आपका नाना साहब, सब लोगों ने मिलकर इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया। बट चूंकि ये आंदोलन क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाया, उसी कड़ी में ये आंदोलन का जो आग था वो आपका 30 जुलाई 1857 को झारखंड भी पहुंचा। और झारखंड में जो उस समय की 8वीं पैदल सेना थी, 8वीं पैदल सेना और रामगढ़ का डोरंडा छावनी के जो सेना थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और ये विद्रोह करके जितने सैनिक थे, लगभग 600 के आसपास सैनिक थे, ये सारे सैनिक चले गए पांडे गणपत राय के पास। और पांडे गणपत राय इन लोगों को कहाँ लेके गए, इन लोगों का स्वागत किया और इनको ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के पास लेके गए। फिर मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जितने भी सैनिक हैं उनको जो नेतृत्व देंगे वो देंगे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, यानी उनको नेता चुन लिया गया और पांडे गणपत राय को सेनापति चुन लिया गया। क्लियर बात यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने रांची में विद्रोह किया और रांची में इनकी जीत हुई, तो इस जीत से उत्साहित होकर ये लोग चतरा के तरफ मूव किए। चतरा में जाने के बाद इनकी चतरा में जो उस समय के जमींदार राजा थे उनके साथ लड़ाई में जो विद्रोही सेना थी, ठीक है, जो विद्रोही सेना थी यानी ये जो लोग बगावत करके आए हुए थे, उन लोगों की हार हो गई और वहां से वो फिर लोहरदगा चले गए। लोहरदगा में बड़वे थाना को इन्होंने लूट लिया, साथ ही साथ और भी सरकारी खजाने को लूट के वहां काफी सारा नुकसान पहुंचाया अंग्रेजों को। इसके बाद फिर भैरव गांव में गए। भैरव गांव में गए पांडे गणपत राय और यहां पे मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग के दौरान मेजर नेशन ने इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की, यानी इनको गुप्त सूचना मिली, मेजर नेशन को गुप्त सूचना मिली कि पांडे गणपत राय जो है वो भैरव गांव में सभा कर रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर मेजर नेशन ने जाल बिछाया बट वो पकड़ने में नाकामयाब हो गए, यानी ये नहीं पकड़ पाए। पांडे गणपत राय चरवाहे का भेष बना के वहां से निकलने में कामयाब रहे और वहां से निकलते निकलते पांडे गणपत राय अपने पुरोहित के साथ, ठीक है, पुरोहित के साथ प्लस पांडे गणपत राय चलना चालू किए और इनको जाना था कैमो गांव। बट चूंकि रात हो गया था और रात के अंधेरे में इनको रास्ते का पता नहीं चला, ये रास्ते से भटक गए और ये पहुंच गए पाट गांव, ठीक है। पाट गांव में जो वहां का जमींदार था महेश शाही, ये जमींदार अंग्रेजों का समर्थक था, ठीक है, ये जमींदार जो था ये अंग्रेजों का समर्थक था। इसने क्या किया, इसने खबर पहुंचा दी। किसको खबर पहुंचा दी, उस समय के जो आपके मेजर थे नेशन, उसको खबर पहुंचा दी कि जो पांडे जी जो हैं वो भैरव गांव में, सॉरी पाट गांव में छिपे हुए हैं। तो जो मेजर नेशन था वो अपना दल बल के साथ आ गया और इनको गिरफ्तार कर लिया। किनको, पांडे गणपत राय को। गिरफ्तार करने के बाद इनको रांची लाया गया। रांची में जो कमिश्नर थे डाल्टन,
जो समय के तत्कालीन कमिश्नर थे, दिख रहा है आप लोगों को बराबर है, जो कमिश्नर थे डाल्टन, उसने क्या किया, इनको सजा सुना दिया, ट्रायल चला और सजा सुनाया गया। क्या सजा दिया गया, तो इनको फांसी की सजा दी गई। तो इनको फांसी की सजा दी गई, तो उस समय के रांची का जो स्कूल था, जिला स्कूल, उसके बाहर के मेन गेट पे कदम के पेड़ पे टांग के इनको फांसी दे दी गई। और वो जो डेट था 21 अप्रैल 1858। तो इसी के साथ पांडे गणपत राय से रिलेटेड वीडियो का कंसेप्ट यही होता समाप्त। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर आपका वीडियो काफी छोटा होता, तो मैं आपको बता दूं, हम थेसिस और पीएचडी करने नहीं बैठे हैं। आप मुझे कोई भी बुक लेके आइए और कोई भी प्रैक्टिस सेट झारखंड के किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग क्लास का लेके आइए, और मुझे इन टॉपिक के बाहर से कुछ क्वेश्चन बन जाए तो फिर मुझे बताइए। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टू द पॉइंट है, टाइम नहीं अपने पास, फटाफट चीजों को कवर करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी जेपीएससी एस्पायरेंट्स है, हम लोग कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।